बाइक भी चलने से पहले कहती है कि पहले पेट पूजा बाद में काम दूजा, तो मेरा पेट भर गया तो अभी मैं जा रहा हूँ इमरान साहब की तरफ। अभी टाइम हो गया आपको फिर जादू दिखाने का। जो सबसे कूल चीज मुझे लगी है ना वो इसका है मीटर, मतलब मीटर बड़ा प्यारा लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम बॉयज, वेलकम बैक टू MII फिल्म्स। और जनाब आज की राइड होने वाली है बहुत ही मज़ेदार किस्म की, क्योंकि इसमें आपको देखने को मिलेगा एक शदीद किस्म का जादू। लेकिन जादू से पहले आपको थोड़ी सी स्टोरी सुना दूं। मेरे ना आज से कोई 1.5 माह पहले मैं आया था, इमरान साहब हैं हमारे यहाँ पे जाने वाले वापटा टाउन में, बहुत हमारे अजीज़, और उनके पास आया था तो मेरे ग्लव्स मैं उन्हीं के पास भूल गया था बाइक के अपने। तो आज मैं जा रहा हूँ वो ग्लव्स एक तो पिक करने, लेकिन उससे पहले ना मुझे फ्यूल डलवाना पड़ेगा बाइक में, क्योंकि मेरे वाली बाइक में भी थोड़ा सा कम है फ्यूल। तो यहाँ पे देखते हैं अगर हाई ऑक्टेन मिल जाए। Getting hype when I aim up. हाई ऑक्टेन. Elevating that game up. Stepping up to the competition. Only first place and that's how I'm living. I'm winning till they digging up my grave. चलने से पहले ना बाइक भी कहती है कि पहले पेट पूजा बाद में काम दूजा, तो इसका पेट थोड़ा सा भरा है, मतलब 1000 का डलवाया है, तो अभी भी ये चौथे पॉइंट से यार महंगा ही इतना क्या करे बेचारा बाइक भी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? खड़ा हो गए ना, आपके इंतजार कर रहे हैं। ओए होए होए होए, जाना था कहीं आपने? आपके इंतजार कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, ये थोड़ा मजा है कि आपके इंतजार। नहीं नहीं, जज़ाक अल्लाह। कोई 2 हफ्ते से या 3 हफ्ते से क्या स्टार्ट नहीं हुई थी, तो अभी इसमें स्टार्ट किया। अच्छा, मैंने कहा कि भाई ने चूल्हा भी लेना है, ये देख के नजदीक है, कोई भी पहले बैठे पानी पिए फिर उसके बाद आते हैं। अभी वक्त हुआ चाहता है आपको एक जादू दिखाने का, सो बी रेडी। 1 2 3 सो गाइस, कमेंट सेक्शन गाइस जरूर बताना है कि ये चमकता धमकता जादू आपको कैसा लगा। एक स्पोर्ट्स बाइक से डायरेक्टली एक टूरिंग बाइक पे विद इन 3 सेकेंड्स, तो जादू तो बनता है ना भाई, जादू तो बनता है कहना इसको। इससे पहले मैं था कावासाकी निंजा 250R स्पेशल एडिशन, इकलौता बाइक ऑफ आवर कंट्री पाकिस्तान, लेकिन इस टाइम पे मैं राइड कर रहा हूँ जोंगशन RX3 जो कि प्योरली एक टूरिंग बाइक है। आपको सिटिंग पोस्चर से भी इस चीज़ का आइडिया हो रहा होगा। अभी मैं राइड कर रहा हूँ जेल रोड पे। सबसे पहले हम जाएंगे मेन मार्केट में अल मशहूर रिजवान बर्गर, जिनका मुझे जिंगर पराठा रोल बहुत पसंद है, वो खाएंगे, देन उसके बाद हम जाएंगे वापस। इस बाइक का सबसे जो मुझे कूल चीज़ लगी है ना,
वो है इस बाइक का मीटर, मतलब वाइट और रेड का कॉम्बिनेशन बड़ा प्यारा दिया है मीटर में है। आरपीएम एनालॉग में है और स्पीडोमीटर डिजिट्स में है। ये चीज़ बड़ी प्यारी है। और वन साइड पे इस पे ये पॉइंट्स हैं, राइट साइड पे जो तीन डॉट्स आपको शायद नज़र आ रहे होंगे ये वाले, ये हैं इसके टेम्परेचर के। और लेफ्ट साइड पे जो फ्यूल है, फ्यूल का एक ही सेल है, यहाँ से हम डलवाएंगे भी फ्यूल अभी इसमें। राइट लेग है ना मेरी, उस पे ऐसे फील होता है जैसे ये बाइक ना हीट छोड़ रहा है। बाइक वैसे काफ़ी स्मूथ भी है, मतलब आप जैपनीज़ बाइक्स के साथ तो आप कंपेयर ऑब्वियसली नहीं कर सकते इन बाइक्स को तो। हाँ लेकिन एक चीज़ है यार, ये गंदे पानी का ट्रक है, नहीं नहीं रेत का ट्रक है, और ऊपर पानी इतना फेंका हुआ है कि पानी उसका वो लीक कर रहा है नीचे से। तो जैपनीज़ बाइक बात कर रहा था कि जैपनीज़ बाइक्स के साथ तो आप इसको कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि अपनी क्लास में बेहतरीन बाइक है। प्राइस टैग को भी अगर आप नोट करें तो अब इसकी करंटली बुकिंग प्राइस जो चल रही है वो है 6,30,000। और इसी के कंपेटिटर जो हैं बनेली, अब उनकी दो दिन पहले प्राइस बढ़ के वो हो गई है 9,35,000। अब 9,35 में आप देखो कि यार सेम बाइक आपको मिलेगा विद लेस फीचर्स, फीचर उसमें कम क्यों है और ज़्यादा भी है, मतलब ABS भी है उस बाइक में, लेकिन उसके ऑन रोड टायर्स हैं, आपको टायर भी चेंज करवाने पड़ेंगे, इसी तरह एक दो और भी उसके, और हैंडल इतना कंफर्टेबल नहीं है जितना इस बाइक का हैंडल है। बाकी नो डाउट फिनिशिंग क्वालिटी जोंगशन से RX3 जो है ये वाला बाइक है, इससे बनेली वालों की फिनिशिंग क्वालिटी बहुत अच्छी है, ज़्यादा अच्छी है। अपनी प्राइस टैग के हिसाब से अगर इस बाइक को देखें तो यार ये बेहतरीन बाइक है फॉर टूर, मतलब राइड बड़ी स्मूथ है, ईजी टू हैंडल है बड़ा, और सिटिंग पोस्चर बिल्कुल वो टूरिंग बाइक वाला सीन है सारा। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा हमारे इस छोटे से जादू का। और अभी मैं जा रहा हूँ वापस, रात का भी टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया, तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा, और अगर सुबह की राइड इस बाइक पे की तो इंशाल्लाह मैं जो है इसका और भी काफ़ी स्पेसिफिकेशंस वगैरह बता दूंगा। और टेक केयर, बाय बाय।